हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 7 दिनों में पा सकते हैं ग्लोइंग स्किन। इसके लिए मैंने लिया है राइस फ्लावर यानी चावल का आटा। ये यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 चम्मच यूज़ किया है। अब मैंने लिया है मैदा, ये भी मैंने 2 स्पून ही यूज़ किया है। याद रहे, मैदा और राइस फ्लावर इक्वल क्वांटिटी में लेना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैंने लिया है हनी, मैंने पतंजलि का हनी यूज़ किया है। आप चाहें तो किसी और ब्रांड का भी हनी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1/2 स्पून हनी यूज़ किया है। अब मैंने लिया है रॉ मिल्क, मिल्क हमें उतना ही यूज़ करना है जिससे कि हमारा एक बैटर पेस्ट तैयार हो जाए। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अगर ये हमें गाढ़ा लगे तो हम इसमें और मिल्क ऐड कर देंगे। अब हमारा पेस्ट एकदम बनके तैयार हो गया है, स्किन पर अप्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम इसे अपनी स्किन पर अप्लाई करके दिखाएंगे। हम इसे कुछ इस तरह से अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं इस पेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल चावल के आटे का है, क्योंकि इसमें एंटी एजिंग और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक्स्ट्रा ऑयल और एक्स्ट्रा डर्ट को दूर करके स्किन को ग्लो करती हैं। इस पेस्ट को 20 मिनट लगाए रखना है, फिर इसे अच्छे से स्क्रब करके हटा देना है और फिर ठंडे पानी से धो लेंगे। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसे डायरेक्ट पानी से धो सकते हैं, स्क्रब ना करें। इस प्रोसेस को 7 दिन तक लगातार करें और उसके बाद हफ्ते में 3 या 4 बार करें। ऐसा करने से आपकी स्किन डेफिनेटली ग्लो करने लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।